Audio Jungle. 21 जून को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर के साथ इंदौर के फाइन लाइन अकेडमी में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने विभिन्न तरह के योगाभ्यास कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। आज 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश सहित इंदौर में योग कार्यक्रम को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया, जिसके चलते शहर के विभिन्न स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजन किए गए। वहीं योग करने में इंदौर की महिलाएं और युवतियां भी पीछे नहीं रहीं, जिसके चलते फाइन लाइन अकेडमी में महिलाओं ने योग करते हुए स्वस्थ रहने के साथ तरोताजा रहने का संदेश दिया। प्राचीन काल समय से ही मानव जीवन के लिए योग को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके चलते अल सुबह योग करने से जहां कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है, वहीं दिन भर तरोताजगी बनी रहती है। योग का महत्व क्या होता है? योग का बहुत प्राचीन महत्व है। एक्चुअली ये हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है और काफ़ी बरसों करोड़ों वर्षों पुरानी परंपरा है। अष्टांग योग के माध्यम से ये फेमस है। हम जो भी योग करते हैं, योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा और समाधि। समाधि इसकी लास्ट स्टेज होती है। यम नियम से हम शुरू करते हैं, फिर हम आसन सिखाते हैं, फिर हम प्राणायाम करवाते हैं, फिर प्रत्याहार, इंद्रियों पर संयम करना सिखाते हैं, फिर ध्यान में जाता है धीरे धीरे आदमी, और ध्यान से फिर समाधि में पहुंच जाता है। तो हम यहाँ लगभग 4 साल से इसी तरह से योग का सुबह से ले कर हम लोग इसकी पूरी प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम सारे आसन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, ताकि हम जीवन भर स्वस्थ रहें। तो योग का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। हमारा जितना भी जो भी मिला है हमें जीवन, प्राणवायु हमारी निरंतर चलती रहे और किसी भी अंग में हमें कोई भी बीमारी ना हो। अच्छा, अगर जैसे कोई प्राणायाम हम कर रहे हैं, हम गलत तरीके से उसको करते हैं, तो उसकी हानि वगैरह होती है? हाँ जी, बिल्कुल। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य जो रहता है वो श्वासों पर नियंत्रण रहता है। हमें कितनी श्वास लेनी है एक बार में, कितनी छोड़नी है, इसका एक रेशो होता है। जैसे 2 में हमने श्वास ली, हम 4 में इसको बाहर निकालेंगे, यानी कि हमारे शरीर से विषैले तत्व ज़्यादा से ज़्यादा निकलना चाहिए, है ना। हम शुद्ध वायु लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मेन उद्देश्य इसका यही है प्राणायाम का। तो हमारा ये है कि हम श्वास, प्राणवायु खूब खींचें और इसको धीरे 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 करके बाहर निकालें। फिर जो इसमें कुंभक होता है, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, 2 कुंभक रहते हैं, हम श्वासों पर नियंत्रण करना सीखते हैं, उससे हमारा मेडिटेशन प्रोसेस बढ़ता है। योग हम करते हैं तो मतलब उसके पहले कुछ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और क्या खाना चाहिए? ये कई लोगों के दिमाग में रहती है प्रॉब्लम कि योग कर रहे हैं हम तो क्या खाएं। बस सिर्फ आप सुबह उठें, 2 ग्लास गुनगुना पानी पिएं, अपना फ्रेश होके आएँ आराम से, उसके बाद आपको आहार तो बाद में आप लेंगे, उसके पहले 1 ग्लास पानी पी के आप यहाँ पर आएँ सेंटर पे। मैं सबको बोलती हूँ कि आप 1 ग्लास पानी पी के आइए, कंप्लीट पूरा योग करिए, उसके बाद जाके आप यहाँ से अच्छा डाइट ले सकते हैं। फाइन लाइन एकेडमी में काफ़ी अच्छे से योग दिवस मनाया जा रहा है। आइए बात करते हैं जिन लोगों ने योग का योग को अपनाया है। मैम, आपका नाम? अलका माहेश्वरी। आपको कैसा लगा योग करके? हम करीब 1 साल हो जाएगा आते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। शरीर के साथ साथ मन की, सबसे बड़ी मन की शांति बहुत है। दिन भर स्फूर्ति रहती है, एकदम फ्रेश रहते हैं दिन भर, और जो मन विचलित रहे दिन भर स्फूर्ति रहती है, एकदम फ्रेश रहते हैं दिन भर, और जो मन विचलित रहता है वो एकदम शांत रहता है। आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा। आपको? मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी पिछले 1 साल से यहाँ आ रही हूँ और यहाँ के एनर्जी लगती है काफ़ी। मतलब योग का महत्व पता है आपको? योग से मेरे को पहले मतलब बीमारियाँ, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरी एड़ियों में पहले बहुत दर्द होता था, योग करने से अब बिल्कुल ठीक है। मैम, आपको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं योग से? मैडम, मैं एक्चुअली आज ही आई हूँ। मैं बॉम्बे थी,
बाकी अच्छा, आज कैसा लगा आपको? आज आके काफ़ी अच्छा लगा और मेरी यही कोशिश है कि मैं अब परमानेंट चालू करूँ। मैम आपको? मैं 5 साल से यहाँ योग कर रही हूँ। मुझे बीमारी थी घुटनों की, कमर की, सब एकदम ठीक है और एकदम स्वस्थ और फिट हूँ। अभी मैं 63 साल की उम्र में चल रही हूँ पर एकदम फिट हूँ। अकेडमी की ऑनर कुसुम मैम से जानेंगे कि उनको कैसा लगा योग करके। मैम आपको कैसा लगा? हाँ नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा है और जब से मैं इस योग को मैंने यहाँ क्लास पे शुरू किया है सभी लोग बहुत स्वस्थ हैं, खुश हैं और मेरी भी कई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। वो उसका मैं मैम को दूंगी कि मैम ने बहुत अच्छे से कराती हैं और बहुत ही बढ़िया रहा है। कि क्या क्या थेरेपीज चल रही हैं? मुझे बैकबोन की प्रॉब्लम थी वो अभी चल रही है, ठीक हो रही है, योग से ठीक हो रहा है। अच्छा, और खाने पीने का क्या रहता है इसमें? खाने का डाइट वगैरह का ऐसा कुछ तो नहीं है, बस गर्म पानी वगैरह पीना है। मॉर्निंग में रेगुलर अभी योगा करती हैं? हाँ। आपका नाम? मुस्कान। मैम आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं सर्दी और एलर्जी और अस्थमेटिक हूँ और मैं जब से महिमा ने मुझे योग करना सिखाया है तो मुझे बहुत एनर्जी और मैं अपनी बीमारी से धीरे धीरे फ़ायदा हुआ है। हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दवाइयाँ ना लेकर हमको योग में ही बिलीव करना चाहिए और हमको फालतू के केमिकल्स जो हम बॉडी के अंदर लेते हैं उससे नेचुरल प्रोसेस से यदि हम ठीक होते हैं तो यह योग का बहुत बड़ा योगदान है। तो किस तरह हमने जाना कि योग को अपने जीवन में किस तरह उतारा जाए, मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि योग को अपने जीवन में उतारें और उसे डेली रूटीन में यूज़ करें। कैमरामैन जय सिमरिया के साथ भारती व्यास, KNN इंदौर।